बात हुई थी उनकी पत्नी से एक बजे दिन तो बोले थे कि हम पहुंचेंगे शाम में श्रीनगर तब बात करेंगे। हमको सूचना यानी कि मीडिया वाले ही दिए हमको। अच्छा, बहुत सारे आए थे दादी ने। गम उतने हैं सर और खुशी भी उतने हैं। ये तो हमारा देश भक्त नहीं गया है, देश की स्थिति कुर्बान हुआ है। आज हम शपथ खा के बोलते हैं बेटा तो नहीं है रहा सर, हम अनाथ हो गए, लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य है आज 22 जवान हमारा शहीद हो गए, गरीब मजदूर का बच्चा वहाँ शहीद हो गए। हम यही संकल्प देते हैं कि 22,000 हमारा बच्चा जो कुर्बान हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को नीप के चलाए। गम तो उतने हैं और साथ साथ खुशी भी है। हम ये गुना रोते हैं हमारे बेटे के साथ, पूरा इंडिया रो रहा है। कितनी मान का मां मुझे गया, कितनी मां कोकसुनी हो गई सर। अब कैसे मेहनत करें, भीख मांगने पर भी लोग भीख नहीं देगा हमको। इस उम्र में कोई भीख नहीं देगा, बीच उम्र में हम मजदार में फंस गए सर। भीख मांगने का भी इंसान को उम्र होता है, वेशभूषा होता है, कैसे हम बच्चा को पाए। एक छोटा नोनी हाल पोता है 4 साल का सर, हमारा घर एक चारी मदारगंज पड़ता है। 100 घर मान से हम यहाँ रूम रेंट पे भाड़ा लेकर के पढ़ा रहे थे। हमारे बच्चा को एक पैसा नहीं बचे दरमागा, लेकिन मेंटेनेंस कर्ज में हम लोग चलाते थे, शिक्षा में जंगवाते थे। कल पढ़ा लिखा करके बच्चा का भविष्य बन जाए, वही धन है हमारा धन, विद्याधन महाधन है, इसको खरीद नहीं सकता है। क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से, सरकार क्या करे आपके लिए? सरकार क्या करे, सरकार से हमको कुछ मांगना तांगना नहीं है सर, कुछ नहीं। जब हमारा उजड़ गया तो मांगे क्या, हमारा मांग है बदला ले ले, ईट का जवाब पत्थर। यहाँ के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग मर्माहत हैं और पूरा देश रो रहा है, लेकिन बार बार मरने से ज्यादा अच्छा है एक बार हम लोग मरें, एक बार मरने का प्रण लें। जितना मरना हो मरे हैं हम लोग, लेकिन आर और पार की लड़ाई हो, जैसी भी लड़ाई हो, ये लड़ाई आर पार की होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं।